हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। सो आज हम देखेंगे BRL 101 का सब्जेक्ट है खुदरा बिक्री का अवलोकन। इसके बारे में देखेंगे इसे क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं वो समझेंगे, कैसे एग्ज़ाम में हमें उसकी हेल्प मिलेगी इस सब्जेक्ट में करने में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। मेनली तो क्वेश्चन हम दिखाएंगे यहाँ पर सिलेबस में से निकाल के फिर बनाए हैं, बट क्वेश्चन पेपर में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट आंसर्स भी आपको सेम ही होंगे। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ज़रूरी नहीं कि वही डिटो टू कॉपी वहीं पर हो, उसको राउंड अप करके वो लिख देते हैं, लेकिन बात वही पड़ती है, आंसर वही होता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कैसे समझाया है, समझ कर ही करना पड़ेगा, वरना आप फिर गलत लिख दोगे। सो इसमें आगे हम देखते हैं अब कैसे हम कर सकते हैं इसे क्वेश्चन आंसर्स। ये रहा, इधर से हम देखते हैं, ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ये इसका पहला क्वेश्चन। आप रिटेलिंग शब्द से क्या समझते हैं? भारतीय रिटेल प्रसिद्ध का समर्थन करने वाले विभिन्न उभरते रुझानों पर चर्चा की करें। इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती, बट ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इनको पॉइंट में लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, उसको हाईलाइट कर दोगे तो और वो ऊपर से दिख जाएगा, अंदर तक नीचे उसको देखने की वो नहीं हो कि हाँ ये पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, पैराग्राफ में कोई इतना ध्यान नहीं देता, बट अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो क्रिएटिव लगेगा और जो देखेगा वो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आपकी, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ इसने हाईलाइट कर रखा है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है। अभी यहाँ शुरू होता है सेकंड क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितना ब्रॉड, कितना ब्रीफ था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। समझ के पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, हैंड टू हैंड अगर आप लिखते चल रहे हो और पढ़ पढ़ के समझ के करो तो आपको याद हो जाएगा। आपको अगर ये असाइनमेंट चाहिए और परचेज़ करना है आपको, तो हम आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑन ऑर्डर डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, भारतीय खुदरा विक्रेताओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की व्याख्या करें, चर्चा करें कि कैसे छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रौद्योगिकी अपनाना एक महंगा मामला है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ है, देख सकते हैं आप किस वे में इसमें आंसर लिखा है, थोड़ा सा डिफाइन कर दो उसको, फिर उसके पॉइंट्स बना दो, इट विल बी इजी टू यू एंड द व्यूअर आल्सो। सेवेंथ क्वेश्चन है,
8th है, कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कुछ, और इसके रिलेटेड कोई असाइनमेंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, ये 11th है। ये 12th क्वेश्चन है, पॉइंट्स में और समझ में आता है, पॉइंट्स अगर आपको एक्सपेंड करने हैं तो कर दीजिए, बाकी स्टार्टिंग में अगर आपको और अच्छा लगना है तो पहले डिफाइन करना चाहिए, फिर उसको पॉइंट्स बताने चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं मार्क्स कट रहे होंगे तो वो डिफाइन देखकर वो कर देगा, उधर मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे। ये 14th क्वेश्चन है, सो यहाँ पे ओके कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी आपको हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आप इधर क्वेश्चंस की वैरायटी देख सकते हो, अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें पूछें, या अगर आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस आते हैं तो आप करें, बाकी ये आपके एग्ज़ाम की और से ये बहुत हेल्पफुल है आपको, आप इसको पढ़कर जाएं अच्छी तरह, लिख रहे हो साथ साथ तो उसको समझ भी लो ताकि वो आगे के लिए आपके लिए से मतलब याद रहे आपको, बाकी आप उसको आगे के लिए सेव कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना है और नहीं मिला तो आप उसको उसके लिए पहले ही सेव कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, जिसके पास भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हमारी वीडियोस में है तो उसके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको भी बोले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।